वेलकम बैक टू SL विद तेजस फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के एक नए व्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं मेरे मामा के गांव वापस। जाने से पहले गांव की कुछ मतलब वहां पे भी है, आज कुछ रेयरेस्ट ट्रेडिशनल चीज़ें रहती है, मैं वो आप सबको दिखाऊंगा। वो दिखाने के बाद मुझे गांव में जाना है मंदिर में दर्शन करने के लिए। आने के बाद गया ही नहीं कुछ, मतलब जाना हुआ ही नहीं गाँव में। गाँव में वैसे भी जाता ही नहीं। वहाँ पर दर्शन लेके आऊँगा, वो मंदिर छोटा सा दिखाऊँगा। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद निकलेंगे मामा के यहाँ पे। वो भी यूनिक सा घर होगा, जो हम यूनिक सा और ट्रेडिशनल घर है वो दिखाएंगे पहले कैसे था। अभी स्टार्ट करते हैं यूनिक। फर्स्ट वन है ये, इसे मराठी में जाता कहते हैं, जो कि चक्की पीसते। इसमें मतलब आटा आटा आता है, इसे घूमता है चक्की। अरे यार चक्की पीसी, अरे ढीला ये निकल गया। इसे ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो ये हो गया जाता। इसको जाता बोलते हैं मराठी में। ये फर्स्ट थिंग हो गए। उसके बाद आते हैं उखड़। उखड़ बन उखड़ पता है ना आपको? उखड़ तो उखड़ कैसे होते हैं पता है क्या आपको फ्रेंड्स? उखड़ मतलब इसमें अब जो कुछ भी बनाना है, मतलब मिर्ची फिर्ची डालते, फिर ऐसे इसको ऐसे करते हैं। ये सब गाँव में ही देखने को मिल रहा है, वो भी गाँव में से अभी विलुप्त यानी बहुत रेयरेस्ट हो रहा है। तो ये थी सेकेंड चीज़। और ये इसको ऐसे ढक के रखते हैं और फिर इसको ऐसे यूज़ भी करते हैं इसको मारने के लिए। ओके, ये होने के बाद अब आती है थर्ड चीज़, जो कि ये चूल। मराठी में से चूल कहते हैं, चूल एक्चुअली हिंदी में मुझे अभी चूल्हा चूल्हा ही बोलते होंगे। फिलहाल इसमें कुछ डाला हुआ है क्योंकि कलम बार गए थे, उसको यूज़ नहीं किया था ना। इसमें ऐसे लकड़ी बकड़ी डाल के भाकरी बाजरे की भाकरी वो सब बनाते मराठी में सब। मुझे हिंदी में ज़्यादा कुछ पता नहीं ना फ्रेंड्स, मतलब वो नाम बाकी। तो ये हो गई थर्ड चीज़ अपनी। हाँ, इससे कहते हैं वरूटा, जो कि हम पूरन पूरी जब बनाते हैं ना तो वो ऐसे यूज़ करने के लिए होता है। और इसका आधा भाग है अपना ये, वो वरूटा कहते हैं उसको। और ये जो है ना पत्थर का दिख रहा है आपको, भारी है बहुत। अरे बाप रे, धूप की दिक्कत नहीं होगा। हाँ देखो ये ऐसे रहता है। ओके, तो ये फोर्थ चीज़ हो गई। ये रेयरेस्ट चीज़ें आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट्स में, आपने भी देखी होगी कि नहीं। अब आता है फोर्थ चीज़ के, वो भी अच्छी बात है। ओके, ये इसे झापा कहते हैं, झाप झाप बोलते हैं मराठी में, मतलब जो कुछ भी। ये देखो ना छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना ये। हाँ बोल बोल बोल। हाँ तो उनको ऐसे छोटे रहते ना, तो उनको ऐसे ऐसे डालते, क्योंकि वो छोटे रहते हैं ना, इधर उधर भागते हैं, फिर कुत्ते बित्ते रुक रहते हैं। इतनी तो है फिलहाल रेयरेस्ट चीज़ें। हाँ, हम ट्रेडिशनली पानी को गर्म करते हैं यहाँ पे दूसरी चूल्हे यहाँ पे। तो गांव में बहुत सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। हाँ तो फिलहाल तो इतनी ही रेयरेस्ट चीज़ें थी। आपको कैसे लगी वो ज़रूर बता देना, क्योंकि ट्रेडिशनली सब मतलब गाँव में तो रहता है। और मुझे खुशी है कि मैं तो वो यूज़ कर रहा हूँ, और लोग पता नहीं कितने यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको कैसी लगी। और दिखानी है वो जाने के उधर जाने के बाद, मतलब यहाँ से मेरे मामा का गांव, मेरी मौसी उधर ही रहती है। आजी उजी तो मैं अपने अज्जे आजोबा का फ़ोटो दिखाऊंगा वीडियो में, उनको थोड़ा मतलब अलग लगेगा ना, इसलिए तो फ़ोटो दिखाऊंगा वो यहाँ के, और उनको भी फ़ोटो या फिर वीडियो जो कुछ भी पॉसिबल होगा तो वो दिखाऊंगा। ओके, रेयरेस्ट चीज़ें कैसी लगी ज़रूर बता देना फ्रेंड्स, और भी दिखाएंगे। तो अब मैं जाके आता हूँ अपने गांव में दर्शन करने के लिए, आपको भी लेके चलता हूँ मंदिर कैसा है कैसा नहीं दिखाता। ओके, लेट्स गो। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ। मेरे भाई का लास्ट वीडियो में लास्ट का लास्ट वीडियो देखा था, वो कैसे लगा वो ज़रूर बता देना। बहुत फनी है मेरा भाई पिल्लू, उसको तो बहुत मिस कर रहा हूँ मैं अभी। उसका कैसा लगा ज़रूर बता देना। मैं सीधा मंदिर के यहाँ पे मिलता हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे गांव की ZP मीन्स जिला परिषद स्कूल, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो जिला परिषद। दोस्तों ये है विट्ठल रखुमाई का मंदिर है। हमारे यहाँ पे पूरा गांव मतलब वारकरी संप्रदाय का है ना, तो इसलिए सब मतलब विट्ठल रखुमाई, मराठवाड़ा पूरा वारकरी संप्रदाय का ही। तो ये ऊपर का है और नीचे भी है, तो वो भी दिखाऊंगा। तो पहले ऐसा इधर राउंड मारना, मतलब भगवान की प्रदक्षिणा बोलते हैं ना, तो वो
बहुत छोटा था तब से मैं फ्रेंड्स आता हूँ यहाँ पे, जब भी गाँव आता हूँ तो वहाँ पे आता ही हूँ। और ये ऐसा हॉल है ना आगे, ये आगे हॉल है, सो भी जाते हैं नीचे। देखो पूरा ऐसे ना, और यहाँ से नीचे बनाया हुआ है ऐसे। यहाँ पे बहुत अंधेरा है लेकिन मोबाइल की वजह से आपको दिख रहा है। देखो फ्रेंड्स, ये संत भगवान बाबा और वामन भाव महाराज, बहुत अंधेरा है इसलिए। तो ये संत वामन भाऊ और संत भगवान बाबा, भाऊ बाबा बोलते हैं, दोनों वारकरी संप्रदाय के बहुत बड़े संत है। ऐश्वर्य संपन्न संत भगवान बाबा, उनको पदवी मिली है। और ये हमारे गांव के लड़के ने बनाया, उसको पेंटिंग बनाई हुई। सो ये ऐसा। और यहाँ पे मातृदेव भाव पितृदेव भाव कतुंड महाकाल सूर्य कोटि सम प्रभु निर्विघ्नम कुरु देव सर्व कार्य सुशल। तो फ्रेंड्स, दर्शन वगैरह सब हो गया है। और जब भी मैं अपने गांव के मंदिर में आता हूँ, एक सुकून सा मिल जाता है। एक और है वहाँ पे, बहुत दूर है, मतलब बहुत भी, मतलब सुनेरिया ही, मतलब सुनेरिया ही बोलते हैं। वहाँ पे हमेशा जाता हूँ लेकिन इस बार वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, गाड़ी नहीं है ना यहाँ पे फिलहाल, तो प्रॉब्लम हो रहा है मतलब। और मतलब ऊपर गाड़ी से घूम के जाना पड़ता है बहुत दूर से, चल के फैमिली भी सब, मतलब काकी वो सब वहाँ पे गए हैं तो सब रहते तो मज़ा आता है। मतलब अकेले क्या, मैं अकेला तो नहीं जा पाऊँगा। और आज मेरे मामा के गांव भी जाना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो पक्का वहाँ पे जाऊँगा। वहाँ से तो इतना खूबसूरत व्यू आता है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सिनारियो होता है। मुझे मतलब बुरा लग रहा है वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, तो हमेशा जाता हूँ। सो अभी इस बार नहीं जाने हो रहा है, बुरा तो लग रहा है अभी। ओके सो अभी दर्शन हो गया, अभी थोड़ी देर बाद हम खाएंगे फिर निकलेंगे। भाई आ रहा है, मतलब उस दिन मिला था वही, मोटरसाइकिल पे आ रहा है इस बार। मोटरसाइकिल पे आने के बाद आई मेरी बहन, उसकी वो मोटरसाइकिल पे बैठेगी, मैं और मेरा दूसरा भाई वो भी आ रहा है, तो हम उधर बैठ, मैं उधर बैठूँगा तो मैं भी चलाऊँगा अगर मौका मिला तो, मतलब शूट करूँगा थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो आज रास्ते में मैं चलाऊँगा या फिर रोज़ चलाएगा, गाँव में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ आ रहा है मोटरसाइकिल। सो अभी थोड़ी देर बाद मिलता हूँ जैसे अगर निकला तो। ओके बाय। और ये हमारा पिल्लू सोया हुआ है। पिल्लू गुड मॉर्निंग बाबा, उठ। बहुत प्यारा सा बेचा आ गया है, वो अभी सुस्ता गया। 3 hours later। सो दोस्तों फाइनली हम आ गए मेरे मामा के गांव, जो कि हम लोग बाइक पे नहीं कार पे आए, शूट नहीं किया, थोड़ा सैड एनवायरनमेंट हो गया क्योंकि हम आ रहे थे इसलिए। सो फिलहाल हम दुकान में है। हाँ टी टाइम। दिस इज द गली, विलेज गली। ये मेरे भाई की गाड़ी तवेरा, और वो इसी में हम आए थे। ओके ये हमारी। 8 hours later। ये दोस्तों गुड मॉर्निंग, बाद में वीडियो ही नहीं बनाया, कल यहाँ पे आके सो गया, ऋषि के यहाँ पे मेरे सो गया। तो अभी आज तो हम बाहर जाने वाले, अभी देखते प्लान होता है कि नहीं। सो यूनिक से लास्ट चीज़ दिखानी है आपको, जो कि घर। सो वहाँ पे कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि सब लोग हैं, तो बाद में वॉइस ओवर कर दूँगा। सो अभी सीधा जाते वहाँ पे, आपको दिखाते। ओके हाँ सो फ्रेंड्स, ये है हमारे आजी आजोबा का घर, मतलब अन्ना आजी अन्ना। तो ये मामा की दो गाड़ियाँ है, एक नई गाड़ी मतलब मेरे भाई की। सो ये मिट्टी का घर है वही, और ये जो है दिख रहा है लकड़ी का, वो मैं बचपन से मेरे मतलब हम सब बच्चे लोग वहाँ पे ही खेले ऐसे गोल गोल राउंड। सो ये देखो, ये पूरा मिट्टी का यूनिक सा रेयरेस्ट ऑफ द हाउस रहता है, अभी बहुत कम देखने को मिल रहे है ऐसे। सो ये घर है ऐसा, और ये अंदर से ऐसा दिख रहा है आपको, देखो। सो पूरा एक बहुत पुराना घर है जो कि ऐसा था मिट्टी का। सो ये कैसा लगा आपको, अगर आपने ऐसे घर में रहे हो तो ज़रूर। ये मेरा भांजा है, भांजा गर्ल। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा ज़रूर बता देना, आपने भी ये रेयरेस्ट चीज़ें देखी है कि नहीं ज़रूर बता देना। सो अब बारी आती है वीडियो एंड करने की। तो वीडियो एंड करने से पहले फैक्ट की बात, पूरे बॉडी में जहाँ ऐसी जगह है वहाँ पे ब्लड नहीं होता, वो कि आई का कॉर्निया। ओके वो डायरेक्टली ऑक्सीजन लेता है एयर में से,
सो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल है. सो एज ऑलवेज टेक केयर योर प्राइजेस फैमिली एंड फ्रेंड्स. क्रिप्टो इन ओवर इंडिया. जय हिंद.